बेस्ट ये होता है कि हम लोग टाइम टू टाइम चेक कराते रहें, हम लोग सिम्टम्स का वेट ना करें। लेकिन अगर हम लोग रेगुलर चेकअप में नहीं है, कि साल में भी एक चेकअप नहीं लेते हैं, कई लोगों को हो जाता है, उनको पूछो ना आपको कोई हेल्थ इश्यूज हैं, तो वो बोलते हैं नहीं हमको तो कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है, पूछो डायबिटीज थायराइड बीपी है, नहीं हमको तो कोई भी हेल्थ इश्यूज नहीं, हम तो एकदम ठीक है। और फिर उनको पूछो कि लास्ट चेकअप कब कराया था, 5 साल पहले कराया था, प्रेगनेंसी में कराया था, 2-3 साल हो गए अभी, उसमें तो कुछ नहीं था। तो वैसा नहीं करना है, अपने एज फैक्टर को समझना है कि एज के अकॉर्डिंग हम लोगों को बीमारी बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ओवरवेट की वजह से बीमारी बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लाइफस्टाइल सही नहीं चल रही है, बहुत सारी हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, स्ट्रेस लेवल चल रहा है, उसकी वजह से चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग के पास एक ही उपाय है कि हम लोग अपना रेगुलर चेकअप ले लें। एटलीस्ट जिसको अभी तक कोई हेल्थ इश्यूज नहीं हुआ है वो साल में एक बार ले लें, और अगर आपको कोई हेल्थ इश्यू हो चुका है तो आप 6 महीने में ले लें, क्योंकि डायबिटीज केवल अकेले अपने आप नहीं आती। मान लीजिए आपको बीपी है, आपको थायराइड के इश्यू है, या कोई अदर लाइफस्टाइल डिसीज है, उसके साथ फिर उसके कॉम्प्लिकेशन में डायबिटीज जुड़ जाती है कि आपको वो कभी भी डायग्नोस हो सकती है। तो 6-6 महीने में ले लीजिए। अगर आपको डायबिटीज हो चुकी है तो फिर उसका रेगुलर चेकअप लेने के लिए केवल आप उसकी फास्टिंग या पीपी पर ही डिपेंड नहीं हुई है, आप उसका HbA1c लेवल जरूर चेक कीजिए। जैसा मैंने अपने हस्बैंड के केस हिस्ट्री में आपको बताया था कि उन्होंने वही बिगाड़ के रखा हुआ था, और जिसकी वजह से उनको हार्ट पे भी असर आया, उनका बाईपास सर्जरी तक की नौबत आई, 2-2 बार स्टंटिंग की नौबत आई उनकी, और आँखों का भी उनका ऑपरेशन कराना पड़ा। तो केवल फास्टिंग और पीपी पर डिपेंड होके नहीं रहिए, आप 3 महीने का एक एवरेज ब्लड टेस्ट जो HbA1c है उसको देखिए, और अगर आप डायबिटिक पेशेंट में जितने पुराने होते जाएंगे, 2 साल हो गया, 5 साल हो गया, अब आपके 10 साल होने वाले हैं, तो आपकी जो चेकअप की ड्यूरेशन है वो आप पास में ले आइए। जहाँ आप 6-6 महीने में कराते हैं तो वहाँ आप अब 3-3 महीने में कराना शुरू कर दीजिए, क्योंकि डायबिटीज़ का कोई इलाज हम बोलें तो इलाज एक ही है कि आप उसे कंट्रोल में रखें और सभी फैक्टर्स को कंट्रोल में रखें, सिर्फ उसका एक ही इलाज है, और ये पूरा कंट्रोल में रखने से आप आगे फ्यूचर में आने वाले कॉम्प्लिकेशन से बच जाएंगे। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन की। अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसे कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना होती है, और डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ से नहीं आते हैं, डायबिटीज़ के अनकंट्रोल्ड होने से आते हैं। तो क्या हो जाता है अगर डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है? याहू विल रिप्लाई। गुड मॉर्निंग मैम, मैम पैनल ऑर्गन्स पे इफेक्ट आता है, स्पेशली हार्ट, किडनी, इसमें इसका इफेक्ट आता है अगर हमारी डायबिटीज़ बढ़ी होती है। यस यस राइट, बहुत अच्छा। प्रॉब्लम है वो तो है, घाव जल्दी से हील नहीं होते हमारे, कोई भी घाव हो जाते तो हीलिंग जल्दी नहीं होती। राइट। तो अभी वेल ट्राइड अंजना जी, इसको हम लोग और एक्सटेंड करके बोलें तो डायबिटीज के साथ 3 तरीके के मेन कॉम्प्लिकेशन आते हैं, इसको हम लोग डायबिटीज ट्रायोपैथी भी कहते हैं। ठीक है, ट्रायोपैथी का मतलब है डायबिटीज न्यूरोपैथी, डायबिटीज नेफ्रोपैथी और डायबिटीज रेटिनोपैथी। ओके, अब फुट का विशेष ध्यान रखने की हम लोगों को जरूरत होती है। डायबिटीज के केस में कई बार फुट के नीचे कोई भी चीज चुभने से या वैसे ही अल्सर ऐसे क्रिएट हो जाते हैं जो उस टाइम तो फील नहीं होते हैं, जिसको आप बहुत ज्यादा डायग्नोज कर सको कि ये मुझे तकलीफ दे रहा है, लेकिन सडनली जब वो तकलीफ देगा उस टाइम तक आते आते फुट अल्सर जो है बन जाता है, और अगर उसका ठीक समय पे ध्यान ना दिया जाए, सही समय पे उसको केयर ना की जाए कि मेरे फुट में ये समस्या हो रही है, तो उस कंडीशन में उनको गैंग्रीन भी हो सकता है, और उस कंडीशन में वो जो पैर का हिस्सा होता है उसको काटना पड़ जाता है, नहीं तो पूरी बॉडी में सेप्टिक फैल जाता है। तो ये कंडीशन आजकल तो इसकी भी बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ आ चुकी हैं जिससे ये नौबत अब कम आती है कि पैर को हटाना पड़े, बट फुट का केयर करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। इसलिए डायबिटिक पेशेंट को हमेशा ध्यान रखना है, घर के अंदर रहें, कभी नंगे पैर नहीं घूमें, कुछ भी चुभना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर उसमें वॉन्ड हीलिंग नहीं हुई तो आपको ये न्यूरोपैथी डेवलप होने के चांसेस हो जाते हैं जो ज़्यादा रहते हैं। अगर आपके अनकंट्रोल डायबिटीज है तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपको चप्पल हमेशा पहन के रखनी है, जूते अगर आप पहन रहे तो कुशन वाले पहनिए, जूते में इन्वेस्ट कीजिए जहाँ पर आपको ऐसे चुभने वाले जूते नहीं पहनने जिससे किसी भी तरीके की हार्डनेस पैर में आपकी क्रिएट हो। उसके बाद अब आ जाता है नेफ्रोपैथी। नेफ्रोपैथी के अंदर आ जाता है किडनी इश्यूज, किडनी से रिगार्डिंग जो किडनी फंक्शनिंग टेस्ट होता है उससे हम लोग को पता चल जाता है हम लोग की किडनी सही है कि नहीं। तो सिर्फ डायबिटिक वालों को डायबिटीज ही चेक नहीं करने है, अपना जब आप रूटीन चेकअप कराएंगे तो उसमें किडनी फंक्शनिंग टेस्ट को भी जरूर ले लेना है, क्योंकि ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जिसको आपको शुरू से ध्यान रखना है।
तो मैं भी जब अपने हस्बैंड का चेकअप लेती हूँ तो हमेशा पूरा ले लेती हूँ साथ में, जिससे किडनी पे कोई असर तो नहीं है। यूरिक एसिड अगर स्टार्टिंग में ही पता चल जाएगा बढ़ा हुआ है तो हम लोगों को, या और भी जो एलिमेंट किडनी फंक्शनिंग टेस्ट में निकल के आते हैं, अगर हमें स्टार्टिंग लेवल पे पता चल जाएगा तो हम डायबिटीज को भी कंट्रोल करने पे और सीरियस हो सकते हैं, और जो मेडिसिन है उसकी टाइम पर स्टार्ट कर सकते हैं, तो किडनी फेलियर से बच सकते हैं। बीमारी कोई भी है लेकिन अगर उसका इलाज समय पर हो गया ना तो लाइफ बच जाती है और बहुत हेल्दी चलती है। अच्छा, आगे हम लोग जाएंगे रेटिनोपैथी, डायबिटीज रेटिनोपैथी। रेटिनोपैथी में आंखों के ऊपर उसका आने का खतरा रहता है, रेटिना के ऊपर इफेक्ट रहता है, जिससे आपको कैटरेट आने की जल्दी संभावना होती है। तो जैसा मैंने बताया था कि मेरे हस्बैंड की डायबिटीज पूरी अनकंट्रोल्ड अवस्था में रहती थी, जिसमें HbA1c अनकंट्रोल था और जिसकी वजह से उनको कैटरेट भी आ गया, 35 एज में उनका कैटरेट सर्जरी भी हुई है। हार्ट का तो आ ही गया, हार्ट का आप लोग समझ ही सकते हैं। तो माने ये सब कहानियां नहीं हैं, ये सब सच्चाइयां हैं जो डायबिटीज के साथ जुड़ी हैं, और हमें उसको उतना ही सीरियसली लेना है जिससे हम फर्दर आगे आने वाले कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। डाइट के ऊपर हम लोग और भी बात करेंगे थोड़ा। मैं हमेशा ये कहूंगी जो मैंने अपने फादर से सीखा है, जैसे मैंने आपको अपने फादर की केस हिस्ट्री सबसे पहले सुनाई थी, उसमें मैंने बताया था मेरे पापा खाने के प्रति बहुत जुडिशियल डिसीजन लेते थे। हम जो भी मेडिसिन ले रहे हैं और जो भी हमारा खाने के साथ हम सस्टेन कर सकते हैं लाइफ लॉन्ग, उन दोनों को मैच करा लेना है। तो मेरे फादर का हमेशा जो मेडिसिन है वो उनकी डाइट के हिसाब से सेट रहता था, इसीलिए मैंने आपको ये सेशन शुरू करने से पहले बताया था कि उन्हें अच्छे से पता था कि अगर उन्होंने एक स्वीट आज ज्यादा खा ली है या कहीं बाहर जाके खाना खा लिया या चावल की क्वांटिटी ज्यादा खा ली है, तो कब उन्हें अपनी इंसुलिन लेवल बढ़ानी है और कितनी यूनिट बढ़ानी है। अगर वो ठीक से कभी खाना नहीं खा पाए हैं या स्किप मील हो रहा है या बीमार है, उनको उतना ईटिंग नहीं उनके पेट में जा रहा जितना वो जिसके हिसाब से उनकी इंसुलिन सेट थी, तो उन्हें कितनी यूनिट घटानी है, इस दोनों पे उनका अच्छा कंट्रोल था। इसी तरह डायबिटीज की जो मेडिसिन होती है, आपके बेस्ट फ्रेंड जो होते हैं इस कंडीशन में वो डॉक्टर ही होते हैं। तो डॉक्टर के पास आप जब कई बार जाते हैं और अपने हेल्थ की कई बार जब कंडीशन चेंज होती है तो उसको बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए और डॉक्टर से दोनों चीज पूछ के रखिए कि मुझे अपनी मेडिसिन अगर कम करनी है तो मैं क्या चीज हटा सकती हूँ या कौन सी डोज कम कर सकती हूँ, और अगर मुझे कुछ ज्यादा मैंने कभी खा लिया तो मैं उस कंडीशन में क्या कर सकती हूँ। ये दोनों अगर आप मैच बनाएंगे तो टोटल रिजल्ट क्या निकलेगा, टोटल रिजल्ट ये निकलेगा खून की जो धमनियां है उसके अंदर जो ब्लड शुगर का लेवल है वो कंट्रोल में रहेगा। तो वो चीज हम लोगों को हमेशा, क्योंकि डायबिटीज तो लॉन्ग टर्म तक चलने वाली बीमारी है, आपको ऐसा तो है नहीं कि 2-3 महीने के लिए आई है, वो आपकी जिंदगी भर चलेगी, तो जिंदगी भर सस्टेन करने के लिए आपके फूड के संग आपके मेडिसिन का रिलेशन भी सही होना चाहिए, जिससे आप डॉक्टर के साथ मिलके एक बार चेक करें और फूड वो फॉलो करें जिसको आप लाइफ टाइम सस्टेन कर सकें। नहीं तो बगावत हो जाती है, मेरे हस्बैंड ने तो बहुत बार बगावत की है कि अभी मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, रोटी भी छोड़ दूंगा, चावल भी छोड़ दूंगा, अभी मुझे सिर्फ स्प्राउट खुलाओ खिलाइए। अब मैं बड़े परेशान हो जाती थी, अरे क्या ये स्प्राउट ही अब तुम्हें खाना, नहीं मुझे सुबह भी स्प्राउट खिलाओ, मुझे शाम को भी खिलाओ, मुझे पूरे टाइम प्रोटीन ही प्रोटीन खिलाओ। अब हो गया हफ्ते भर आ गए वो प्रोटीन डाइट पे और डायबिटीज कर ली बहुत ज्यादा एकदम बढ़िया, देखो मैंने कितनी अच्छी डायबिटीज कर ली है, कितना बढ़िया मेरा हो गया है, मैंने सब कंट्रोल में कर लिया है, और मैं बगावत हो गई कि अब तो पुशअप एक्सरसाइज भी होंगी और डंबलिंग भी होगी, और मतलब जब जोश आ जाएगा ना डायबिटिक पेशेंट को तब वो इतने जोश में आ जाएगा कि कहो महीना डेढ़ महीना 2 महीना वो फॉलो करे, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद उसका जोश, क्योंकि है तो इंसानी और वो उसने बहुत जोश में आके डिसीजन लिया, कोई सस्टेनेबल डिसीजन तो लिया नहीं है, फिर क्या होगा, धीरे धीरे स्ट्रेस बढ़ेगा, जो खाने को मिला फिर वो खा जाएंगे, फिर थोड़ी ध्यान देंगे कि सामने क्या है, या हर बार आपकी वाइफ ही बैठी है आपके सामने बनाने के लिए, या वाइफ अगर है या उसको है तो वो अपने लिए पर्टिकुलर ध्यान दे सके, उस कंडीशन में फिर पिज्जा मंगा के खाया जा रहा है, फिर मैगी बनाई जा रही है, और अब तो मैंने एक हफ्ते एक महीना, और ये चीज वेट लॉस के साथ भी होती है कि बहुत बगावत करके डिसीजन अगर ले लिया ना तो बाद में एकदम से वो बगावत जब हम लोग की छूटती है, अब तो मुझे अब ये स्प्राउट की शक्ल नहीं देखनी, अब मुझे क्या देखना है, मुझे तो अब पूरा अच्छा अच्छा खाना, फिर मैं फिर से वैसा ही करूंगी जो मैंने किया था, मैं फिर ट्रैक पे आ जाऊंगी। क्या हो गया उस कंडीशन में, डायबिटीज सडनली बहुत ज्यादा नीचे गिरी और फिर डायबिटीज सडनली बहुत ज्यादा ऊपर बढ़ी, ये दो कंडीशन उन्होंने अपनी इतनी बिगाड़ के रखी ना, एकदम जोश में डिसीजन होकर सब चीज कट डाउन करना और कभी जोश में डिसीजन आके सब चीज ऊपर कर लेना, कि हफ्ते भर तो आप ठीक रहे लेकिन सैटरडे संडे जाके बाहर ओवर ईटिंग में, मैंने तो हफ्ते भर इतना डाइटिंग किया है अब तो मैं सैटरडे संडे को पिज्जा से ही व्रत तोड़ूंगा और कोल्ड ड्रिंक से ही व्रत तोड़ूंगा, फिर वो हाल हो जाता है।
तो सस्टेनेबल डिसीजन फूड के प्रति ये रखना है, तो यू कैन गो नॉट ओनली 80, यू कैन गो 100 ईयर्स। फूड जैसा है कॉन्स्टेंट रखिए, बाहर का अगर खा रहे हैं थोड़ा खाइए, फिर घर आके पूरा खाना खाइए, टेस्टों को मारिए नहीं, सस्टेनेबल डिसीजन लीजिए। उसी तरीके से एक्सरसाइज के प्रति आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप कर रहे हैं सस्टेन कर सके, धीरे धीरे बढ़ाइए, ग्रेजुअली बढ़ाइए चीजों को, हैबिट को। आप एक हफ्ते के लिए या एक महीने के चेंज करने के लिए मत सोचिए, धीरे धीरे देखिए आपकी बॉडी आपसे क्या कह रही है, आप उसमें खुश रह पा रहे हैं कि नहीं, इन चीजों का आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इसी के संग और एक कहानी सुना देती हूँ। हस्बैंड के मेरे डाइट, एक्सरसाइज और योगा और मेडिटेशन जब आते थे ना उस पे, तो 40-40 इंसुलिन यूनिट छूट जाती थी, 40 यूनिट मॉर्निंग की, 40 यूनिट इवनिंग की छूट जाती थी पूरी, और कंटिन्यूस कम 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 होती जाती थी, बहुत खुश होते थे। लेकिन बाद में क्या होता था, जिस दिन भी आप रिवेंज लेने पे आए, जिस दिन आपने अपना रूटीन तोड़ा, सब ऊपर हो जाता था। तो ये कांस्टेंट अप डाउन है ना, ये हार्ट के आर्टरीज को बहुत ज्यादा डैमेज करता है, और इतनी कम उम्र में इतने सारे हार्ट की प्रॉब्लम शायद ही किसी डायबिटिक पेशेंट को आई होगी। उनको क्यों आई? क्योंकि उन्होंने बहुत ऊपर नीचे किया है, कि कभी कम कभी बहुत ज्यादा, फिर कभी बहुत सारी हर्बल चीजें ट्राई करना, फिर कभी कुछ है। तो सेल्फ जजमेंट्स नहीं कीजिए, सेल्फ कुछ भी नहीं कीजिए, जो भी आप कीजिए सस्टेनेबल कीजिए, मेडिसिन सस्टेनेबल कीजिए, डॉक्टर के साथ मिलके कीजिए, पूरे पूरे आंकड़े देखिए, सब कुछ ठीक है तब तक डॉक्टर का फॉलोअप लीजिए, हर 3 महीने में अपने चेकअप पर कंट्रोल देख लीजिए। अब तो ग्लूकोमीटर घर में होता है, तो आप घर के अंदर भी चेक कर सकते हैं, नहीं तो सिचुएशन बहुत वर्स्ट हो सकती है, और डायबिटीज के संग जिंदगी भी बहुत अच्छी हो सकती है। जैसे मैंने अपने फादर का केस बताया, 80 ईयर में भी इतने सारे ऑपरेशन के बाद भी डायबिटीज इज टकाटक। सो क्या करें क्या ना करें, कैसी मुश्किल है, इसका एक ही सॉल्यूशन है जो मैंने बताया आप लोगों को, उस चीज का विशेष ध्यान रखिए। अब सप्लीमेंट के बारे में आ जाते हैं। सप्लीमेंट क्या है, हम कोई एक सप्लीमेंट का नाम नहीं ले सकते हैं जिससे हम ये कहें कि इट इज फॉर डायबिटीज, बिकॉज डायबिटीज इज कलेक्टिव इफर्ट। जब तक आप कलेक्टिव इफर्ट नहीं लगाएंगे, जब तक आप उसे अंडर कंट्रोल में चेक नहीं देख लेते, आप कह ही नहीं सकते कि डायबिटीज के लिए ये बेस्ट है या मिरेकुलस है। मेरे हस्बैंड ने तो बहुत मिरेकुलस काम किए हैं, ऐसे ऐसी हर्बों को सब, और अच्छी हर्बें आप लोग भी ट्राई करते होंगे, जामुन हो गया, करेला हो गया, मेथी हो गया सब। लेकिन क्या होता था, उसको कर तो रहे हैं, खुश हो रहे हैं पीपी और फास्टिंग देख के, लेकिन बाकी पूरे दिन भर की शुगर का उन्हें होश ही नहीं कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। इसलिए डायबिटीज के संग हमेशा सस्टेनेबल डिसीजन और चेकिंग के माध्यम से, दोनों के बीच में कोई और गैप बनाइए ही नहीं कि इससे कंट्रोल हो जाएगा उससे कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन वेलनेस के लिए सप्लीमेंट आप ले सकते हैं, वेलनेस इन द सेंस, जैसे मैंने बताया था मेरे फादर को 60 साल के बाद मैंने मल्टीविटामिन कैल्शियम तब चालू करा दिया था, डिटॉक्स चालू करा दिया था, तो वो वेल बीइंग है उनको, हड्डियों से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेफिशिएंसी से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई कैन वर्क ऑन डेफिशिएंसीज, कि मेरे हस्बैंड को कोई भी डेफिशिएंसी ना हो। तो यही एक रीजन है कि सप्लीमेंट जो मैं उनके मल्टीविटामिन है, कैल्शियम है, डिटॉक्स है, ये जो मैं चालू रखती हूँ, और प्लांट प्रोटीन पाउडर हो गया हम लोगों का, ये जब हम चालू रखते हैं तो उनको फिटनेस लेवल अच्छी है, उनको कोई भी डेफिशिएंसी नहीं है, ना उनका हीमोग्लोबिन कम है, ना उनका डी कम है, ना B12 कम है, कुछ भी डेफिशिएंसी नहीं है। तो सप्लीमेंट आपको वेलबीइंग के लिए आप आराम से ले सकते हो। उसके बाद हर्बल की अगर बात करें, लाइक जिंसिंग, अश्वगंधा, नोनी, और भी बहुत सारे सप्लीमेंट ऐसे होते हैं जो कि डायबिटीज में आपको इंसुलिन की मात्रा बढ़ाने में मदद करते हैं जैसा कि बताया जाता है। बट इंसुलिन की मात्रा बढ़ाने के लिए कलेक्टिव इफर्ट लगता है, कोई एक सप्लीमेंट काम नहीं कर सकता। अगर वो सप्लीमेंट काम कर रहा है तो वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। हर्बल मेडिसिन के केस में तो मैंने बहुत सारे केस ऐसे देखे हैं जो स्टार्टिंग में बहुत तेजी से डायबिटीज गिराते हैं, बाद में उनका असर आना बंद हो जाता है, खत्म हो जाता है। फिर हर्बल जितनी भी चीजें होती हैं उनकी एक लाइफ लाइन भी होती है, उनका एक टाइम पीरियड भी होता है। जैसे अगर मैं जिंसिंग की बात करूं, तो कहीं पर भी आप सर्च करेंगे, आज ही आप इंटरनेट पर सर्च कर लीजिएगा, उसमें लिखा है कि 2 महीने के पीरियड से ज्यादा एक साथ ना दें, फिर गैप कर दें, फिर आप उसको दे सकते हैं, फिर गैप कर लें। तो क्या होगा, अगर मान लीजिए आपने ये सोचा कि मैं इस हर्ब से इसको कंट्रोल कर रही हूं, तो 2 महीने तो आपने कंट्रोल कर लिया, उसके बाद आप क्या करोगे, फिर आपका ऊपर आ जाएगा। मैं आपके अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के आधार पर यह कह सकती हूँ, हाँ अगर मैं अपने हस्बैंड को जिंक्सिंग देती हूँ तो मैं स्टेमिना बढ़ाने के लिए देती हूँ, उनका परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए देती हूँ, बट मैं डायबिटीज कंट्रोल के लिए नहीं देती। तो यू शुड बी क्लियर कि मैं कंट्रोल के लिए हर्ब नहीं खा रही हूँ, क्योंकि
क्योंकि वो हर्बल हर्ब का एक लाइफ स्पान है, एक टाइम पीरियड है कि इसके बाद आप उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो फिर डायबिटीज का कर्व ऐसे ऐसे आने लगेगा ना, आप कॉन्स्टेंट कंट्रोल कर ही नहीं पाओगे। तो अपने प्रैक्टिकल अनुभव से मैं आपसे ये कहूंगी कि हर्बल सप्लीमेंट आप उनके टाइम पीरियड के हिसाब से दो, स्टेमिना के लिए दो, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए दो, ये सब आप कर सकते हैं। बट मैनेजमेंट के लिए जो एक्टिविटी मैनेजमेंट के लिए चाहिए, फूड, एक्सरसाइज, स्लीप, कैलोरी काउंटिंग कंट्रोल, मेडिसिन, प्रॉपर मेडिसिन, डॉक्टर का प्रॉपर फॉलोअप, आपकी टेस्टिंग, यही सब रिक्वायर्ड है। बाकी वेलबींग के लिए आप हमेशा सप्लीमेंट जो और जरूरत है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी के लिए और वेलबींग के लिए, वो आप ले सकते हो। और उसमें भी मल्टीपल अगर कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से पूछ के लीजिए। किसी पे कोई क्वेरी है डायबिटीज रिगार्डिंग तो हैंड रेज अप कर सकते हैं। मेरी एक कंसल्टेंट है अंजना जी है, उन्होंने अपने कंसल्टेंट को जिंक्सिंग दी थी, तो 3-4 महीने अच्छा लगा था, उन्होंने 6 महीने कंटिन्यू किया उसने, तो 6 महीने में उन्होंने एक्ट हो गया आपके जिंक्सिंग से, तो है ना बहुत ज्यादा डायबिटीज बढ़ गई है, ये हो गया वो। जैसा कि अभी आपने बोला कि जिंक्सिंग हम कंटिन्यू लंबे समय तक नहीं करते, नहीं लेंगे। और कंट्रोल हम लोग कभी कभी कोई भी सप्लीमेंट ये दे के कहिए ही नहीं कि इससे डायबिटीज कंट्रोल होगी, कंट्रोल तो उन्हें कलेक्टिव एफर्ट से ही करना पड़ेगा। आप उन्हें क्या कह सकते हो, हम आपको कॉम्प्लिकेशन से बचा सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या है, चलो आप सारी मेडिसिन के भी एक साइड इफेक्ट होते हैं ना, बहुत ज्यादा डायबिटीज की मेडिसिन के भी अपने साइड इफेक्ट होते हैं, उन मेडिसिन के साइड इफेक्ट को कम करने के लिए हम डिटॉक्स दे सकते हैं, हम आंवला एलोवेरा दे सकते हैं, बट फॉर द टाइम पीरियड दीजिए, हटा दीजिए। 3 महीने का कोर्स किया, हटा दिया, सप्लीमेंट को चेंज कर दिया, तो हमारा कोई कमिटमेंट तो नहीं रहा ना उसको कंट्रोल करने के लिए, हम लोगों ने उसे कॉम्प्लिकेशन से बचाया, बट कंट्रोल के लिए डॉक्टर की मेडिसिन और अवेयरनेस और पूरी करेक्टिव एफर्ट, बिना उसके कुछ नहीं। चीजें अच्छी हैं वो वेल बीइंग के लिए खाइए, बट आप ये सोचें कि इससे डायबिटीज कंट्रोल हो जाएगी तो वो डिसीजन गलत है। उसके लिए तो पूरी चीजें लगेंगी आपको और चेकअप लगेगा, फिर आप खुश रहिए कि मैंने ये लाइफ स्टाइल जीती, इसके संग ये चेकअप है, क्या मैं इसको लाइफ टाइम सस्टेन कर पाऊंगी, हाँ अगर मैं कर पाऊंगी उसका बाद में जाके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, देन इट्स ओके। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। हाँ पूछिए ना। किसी को बोल सकते हैं कि हाँ भाई आपका जो मेडिसिन चल रहा है शुगर पेशेंट के लिए ले रहा है, तो उसके साथ में क्या क्या दे सकते हैं अपनी सप्लीमेंट? सिंपल सप्लीमेंट फॉर वेलबींग, सप्लीमेंट टू अवॉइड कॉम्प्लिकेशन, सप्लीमेंट फॉर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। ओके, इसीलिए मैं बोलती हूँ रेगुलर चेकअप में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी करा लो। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी में विटामिन डी, B12 की कमी, ये निकलना बहुत कॉमन है, आप उसके लिए सप्लीमेंट दो। बाकी सिम्टम के ऊपर सप्लीमेंट दे सकते हैं, जैसे ज्वाइंट पेन शुरू हो गया, बैक पेन, नेक पेन शुरू हो गया, तो फ्लेक्सीड ऑयल बढ़ा दिया, क्रिल ऑयल बढ़ा सकते हैं, स्टेमिना कम है, थकान बहुत ज्यादा रहती है, प्रोटीन पाउडर बढ़ा सकते हैं, प्रोटीन पाउडर लाइफ टाइम कंटिन्यू किया जा सकता है, उसका कोई लाइफ स्पैन नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर उसमें भी और ज्यादा थकान रहती है तो जिंक्सिंग को हम लोग प्रमोट कर सकते हैं, बट फॉर द टाइम पीरियड। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पापा का जब कैंसर का ट्रीटमेंट चला तो उससे जल्दी रिकवरी के लिए उनको जिंक्सिंग दे दिया, जब मेरे हस्बैंड को तबियत खराब हो गई, जैसे बुखार आया, वायरल इन्फेक्शन हुआ, यानी कुछ भी हेल्थ ऐसा इशू हुआ जिसमें वीकनेस हो रही है, तो फॉर द टाइम पीरियड मैंने उस टाइम में जिंक्सिंग बढ़ा दिया। स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो रहा है, ऑफिस जा रहे हैं बहुत ज्यादा, सुबह शाम बहुत भागा दौड़ी, उस टाइम में मैंने जिंक्सिंग बढ़ा दिया। और बाकी बेसिक रेगुलर सप्लीमेंट रहे, टॉक्सिन्स रिमूव करने के लिए डिटॉक्स ले लिया, डिटॉक्स 3 महीने का कोर्स कर लिया, तो बाद में आंवला एलोवेरा ले लिया, उसका 3 महीने का कोर्स आ गया, तो फिर अलग चेंज कर दिया। ओके, चलिए किसी पे कोई क्वेरी है डायबिटीज रिगार्डिंग तो हैंड रेज अप कर सकते हैं। क्वेरी खत्म। आपका एक्सप्लेनेशन ही ऐसा होता है मैम कि क्वेश्चंस नहीं आते। मतलब क्वेश्चन खत्म हो गए, इसका मतलब हम लोग समझ गए कि क्या करना चाहिए और हर व्यक्ति समझ गया कि क्या करना चाहिए।